संवाद की ओर से आप सभी पाठकों और दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें। और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देते हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को सभी लोगों का साथ मिलने लगा है। बीजेपी की सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख रहे व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेकर राहुल गांधी की यात्रा को महत्वपूर्ण बना दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ अब तक कई नाम जुड़ चुके हैं। यूपी पहुंची उनकी यात्रा में मायावती से लेकर अखिलेश यादव और यहां तक कि उनके चचेरे भाई और बीजेपी सांसद वरुण गांधी के भी शामिल होने की चर्चाएं हैं। इस बीच राहुल का हाथ थामे एक शख्स नजर आए जिनकी तस्वीर IYC यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास ने पोस्ट की। श्रीनिवास ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा, भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व चीफ और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख AS दुलत ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। साथ में श्रीनिवास ने यह भी लिखा कि AS दुलत ने रिटायरमेंट के बाद वाजपेयी सरकार में जम्मू कश्मीर मुद्दे पर एडवाइजर के तौर पर भी काम किया। अब सभी के मन में कौतूहल पैदा हुआ कि आखिर अमरजीत सिंह दुलत हैं कौन जो राहुल गांधी संग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। चलिए बताते हैं आपको इसी वीडियो में। हाल के दिनों में पूर्व रॉ प्रमुख रहे अमरजीत सिंह दुलत तब सुर्खियों में आए थे जब उनकी आत्मकथा A Life in the Shadows प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की महत्वाकांक्षाओं से लेकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर तक के बारे में बताया था। लेकिन किताब पर सरकार की जून 2021 की अधिसूचना का उल्लंघन का आरोप लगा। दरअसल 2021 की अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों से सेवानिवृत्त सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को मंजूरी के बिना अपने संगठन से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी थी। दुलत 1999 से 2000 के बीच वाजपेयी सरकार में रॉ चीफ थे। रिटायरमेंट के बाद वो लंबे समय तक PMO में कश्मीर के मुद्दे के लिए तैनात रहे। दुलत को कश्मीर के मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मिस्टर कश्मीर कहा जाता रहा है। जब घाटी सबसे ज्यादा अशांत थी उस वक्त दुलत कश्मीर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर थे। वे यहां पर 1988 से 1990 तक तैनात थे। इसके बाद वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर के पद पर प्रमोट हुए। 1999 में वो रॉ चीफ बने। दिसंबर 2000 में रिटायर होने तक वो इसी पद पर रहे। 2004 तक वो कश्मीर मामलों को देखते रहे। कारगिल युद्ध के दौरान भी वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के विशेष निदेशक थे। 2015 में अपनी किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स में उन्होंने तब सनसनी फैला दी थी जब उन्होंने वाजपेयी सरकार पर कंधार हाईजैक मामले में लापरवाही का आरोप लगा दिया। दुलत ने दावा किया था कि जिस वक्त IC-814 भारत में था उस वक्त विमान को बचाने की कोई रणनीति बनाई ही नहीं गई थी। इसके अलावा दुलत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ असद दुरानी के साथ मिलकर 2018 में द स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस नाम की किताब भी लिख चुके हैं। AS दुलत के पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो 1940 में सियालकोट में जन्मे दुलत ने शिमला से शुरुआती पढ़ाई की है। वो पंजाब के एक जाट परिवार से आते हैं। फिर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 1965 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर IPS राह चुनी, जहां उन्हें राजस्थान कैडर मिला। 4 साल नौकरी के बाद वो केंद्र में अपनी सेवाएं देने लगे और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। 1947 के बंटवारे के बाद दुलत के पिता जस्टिस शमशेर सिंह दुलत परिवार को दिल्ली लेकर आ गए थे।
किताब पब्लिश करने वाली कंपनी हाइपर कॉलिंस के मुताबिक वैश्विक सुरक्षा, आतंकवाद और संघर्ष पर लिखने वाली पत्रिका जेन्स इंटेलिजेंस डाइजेस्ट के 2001 में छपे अंक के मुताबिक दुलत ने कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान आम लोगों से खूब सराहना पाई। वो आम लोगों से संवाद करना ज्यादा बेहतर समझते थे और इसी वजह से उन्हें मिस्टर कश्मीर कहा जाता था। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।